भाई साहब, इस साल की मोस्ट ब्रूटल, मोस्ट वॉयलेंट, टॉक्सिक, ब्लडी वॉर्स, जहां ह्यूमैनिटी की सारी हद पार हो जाएंगी, इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स याद है आपको? पूरा खुल के जो मार काट वहां दिखाई गई थी बिना किसी झिझक के, वो सारी चीजें हमें भाई देखने को मिलने वाली है। कंगुआ मूवी का टीजर आ जाएगा, क्या ये सारी चीजें वहां देखने को मिलेंगे? ये सारी चीजें कितना प्रॉमिसिंग होगा वो कल टीजर में ड्रॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि 4:30 बजे कल कंगुआ मूवी का, सूर्या की मोस्ट मच अवेटेड मूवी, जिसके लिए भाई फैंस पागल हैं, सुबह ही आज अनाउंस कर दिया गया है और ट्विटर पर भाई बाढ़ चल रही है, कंगुआ टीजर के लिए बाढ़ चल रही है। और कल 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे हमें टीजर देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें कितनी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि जब इसका ग्लिम्स आया था, ग्लिम्स में ही बहुत कुछ रिवील आउट किया है भाई। कबीले वाला हिसाब किताब देखने को मिल रहा है एक बार के लिए। वाइल्डली थिंग्स, वाइल्डिंग्स वाला जो गेम ऑफ थ्रोन्स में वाइल्डलिंग थे भाई, इन पे कोई कंट्रोल नहीं था, जिनके ऊपर किसी का डर नहीं था। तो भाई जिसको डर नहीं है किसी चीज का, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या ही फिक्र है? ह्यूमैनिटी क्या होती है उसके सामने, उसे क्या ही फिक्र है? तो भाई सूर्या खुद अपना वाइल्ड देखने को मिल रहा है। दूसरा भाई बॉबी देओल जो इसके सामने देखने को मिल रहा है, और एनिमल में जब हमने उसका वो टॉक्सिक ब्लडी एंड ब्रुटैलिटी वहां देखी थी, तो वो तो सिर्फ झांकी थी, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि कंगुआ में जो पोस्टर रिवील आउट किया है भाई, एक आंख काड़ियां, काड़ियां आंख के साथ, और वो जो वाइल्डलिंग्स वाला भाई जंगली पना वाला हिसाब किताब, तो समझ सकते हो कि वहां कितना ब्रूटल एंड वॉयलेंट एंड टॉक्सिक ये करेक्टर होने वाला है, जहां भाई किसी भी हद की कोई सीमा नहीं होने वाली है। तो बस टीजर का ही इंतजार है कि भाई और भी कुछ क्या मिल सकता है। वैसे तो थ्योरीज बहुत आ रही हैं कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन वेट करते हैं फिलहाल, क्योंकि मूवी भी प्रॉमिस करी जा रही है भाई साहब 11 अप्रैल को मूवी आ जानी है। तो इसका मतलब अगर 11 अप्रैल को ये कंफर्म है या नहीं भाई, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन 11th, क्योंकि मूवी बहुत बड़ी है, कोई भी ऐसी बड़ी मूवी जो अपना टीजर ड्रॉप आउट करती है, तो कम से कम प्लान ये बना के रखती है कि मूवी की रिलीज डेट के बीच में गैप लगभग 1.5 महीने का होता है। फिलहाल यहाँ 20 से 22 दिन का ही गैप देखने को मिलना है। तो अगर कल टीजर आ जाएगा, तो एंड ऑफ दिस मंथ हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, या फिर 1 या 2 अप्रैल के आसपास ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, और 11 अप्रैल को तो मूवी सिनेमा हाउस में फट ही रही है भाई। जिस हिसाब से ये लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि टीजर के बाद तुरंत ये ट्रेलर ड्रॉप आउट कर देंगे, तो जो हाइप मेंटेन रहेगी वो बिल्कुल तबाही वाली हाइप मेंटेन रहेगी। तो डे वन पर 100 करोड़ इसके लिए अज्यूम करना, एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी आम बात है। और ये सारी चीज़ें प्रॉमिसिंग कब हो जाएंगी? टीजर के ड्रॉप आउट होने के बाद, क्योंकि भाई बहुत वेट है। ग्लिम्स जिस हिसाब से आया था, कंगुआ वो पार्ट ही भाई गूज़बम्प्स दे के गया था। और कहते ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो था भाई वो उसके लिए कि मूवी में क्या मिलने वाला है, वो ब्रुटैलिटी, वो सारी सब कुछ, मैं कह रहा हूँ ना, कोई लिमिटेशंस नहीं होने वाली है। और जिस हिसाब से ये लोग ग्लिम्स में दिखा रखा है, उसी हिसाब से अगर सिनेमा में विदाउट एनी झिझक कि भाई UA सर्टिफिकेशन दिलाना है या वो दिलाना है, डजंट मैटर, ए रेटिंग की मूवी, एडल्ट कंटेंट की, एडल्ट रेटिंग की मूवी भी भाई, एनिमल सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां पर इतना ज़्यादा ब्रूटल वायलेंस भी नहीं था जितना लोग बता रहे हैं कि टॉक्सिसिटी। लेकिन जिस हिसाब से इससे इमेजिन करा जा रहा है कंगुआ मूवी से, टॉक्सिकनेस, वो सारी ब्रुटैलिटी, वॉयलेंस भाई, अगर ये लोग ए रेटिंग के साथ भी निकालते हैं तो मजा आ जाएगा। क्योंकि सूर्या एज रोलेक्स हमने LCU कनेक्शन में देख ही लिया, कैथी में, देन उसके बाद लियो में, देन उसके बाद विक्रम मूवी में, भाई रोलेक्स क्या चॉपर, यानी फुल बुचर कनेक्शन में देखने को मिल रहा है भाई। क्या गंदी तरीके से उसका गला काटता है, बोटियां करता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो वेट है कल के लिए भाई, रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि ये टीजर मौसम होने वाला है। बाकी एक्टिंग के मामले में सूर्या से तो हम उम्मीद रख ही सकते हैं, और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो भाई साहब वीडियो को एक लाइक भी कर दो, सपोर्ट भी कर दो, एक लाइक एक सपोर्ट और बहुत बड़ी जर्नी हमारे लिए तय हो जाएगी। क्योंकि बस एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, और भी ज़्यादा वेल डिटेल्ड डिग आउट करके इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाने का वो मज़ा हमें मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।